हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरर के कुछ खास तरीके के न्यूमेरिकल सीखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि आपको जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो परसेंटेज एरर की फॉर्म में गिवन होती हैं, और आपसे जो एरर पूछा जाता है वो भी परसेंटेज एरर की फॉर्म में पूछा जाता है। यानी कुछ वैल्यूज आपको गिवन होंगी परसेंटेज एरर की फॉर्म में, और जो एरर आपसे पूछा गया है वो भी परसेंटेज एरर में है। तो सुनने में आपको काफी टफ लग रहा है, लेकिन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आर क्वाइट इजी। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्म के और देखते हैं। बस आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप याद रखने हैं, दो तीन स्टेप, और सभी इस तरह के न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। तो इसी फॉर्म का हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। A physical quantity P is given by P is equal to A square B की power 3 by 2 upon C की power 4 D की power 1 by 2। तो आपको एक रिलेशन दिया गया है। The percentage error of A B C D। अब इस रिलेशन में कितने टर्म हैं? इस रिलेशन में 5 टर्म हैं, P A B C D। तो पांच में से चार टर्म ए बी सी डी के क्या दे दिया आपको? परसेंटेज एरर। ए का परसेंटेज एरर 1%, बी का परसेंटेज एरर 2, सी का परसेंटेज एरर, डी का परसेंटेज एरर है 2%। तो इसमें हमें ए बी सी डी के परसेंटेज एरर दिए हैं, और हमसे किसका परसेंटेज एरर पूछा है? पी का। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो भी रिलेशन गिवन है वो हम लिखेंगे, ए स्क्वायर बी की पावर 3/2, सी की पावर 4 और डी की पावर हाफ। ये हमें रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, पी। तो हम लिखेंगे डेल पी अपॉन पी इंटू 100%। तो अगर पूछा जाए ये क्या है, तो कोई समझदार सा बच्चा एकदम इसको कैच करके बताएगा कि सर ये पी का परसेंटेज एरर लिखा हुआ है। इज इक्वल टू, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, ए। तो इसको आप क्या लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए इनटू 100%। फिर क्या दिखाई दे रहा है, बी, डेल बी ओवर बी इनटू 100%। फिर क्या दिखाई दे रहा है, सी, डेल सी ओवर सी इनटू 100%। और लास्ट टर्म क्या है, डी, डेल डी ओवर डी इनटू 100%। तो देख लीजिए हमारे पास जितने भी टर्म थे हमने सबको इस फॉर्म में लिख लिया। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले में जितने भी टर्म थे पी ए बी सी डी सबको हमने इस टर्म में लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इधर क्या आएगा? तो देखिए ए की पावर कितनी है, 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की बी की पावर क्या है, 3/2, तो यहां 3/2 लिख देंगे। सी की पावर क्या है, 4, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डी की पावर क्या है, 1/2, तो यहां 1/2, और सभी टर्म के बीच में लगा देंगे प्लस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ओके, 2 एज इट इज। मालूम है ये क्या है, ये है ए का परसेंटेज एरर, और ए का परसेंटेज एरर कितना है, 1 प्लस क्या दिखाई दे रहा है, 3/2। बता सकते हैं ये क्या है, ये है बी का परसेंटेज एरर, और बी का परसेंटेज एरर कितना है, 2% प्लस। बता सकते हैं ये क्या है, ये है सी का परसेंटेज एरर, तो सी का परसेंटेज एरर कितना है, 4 और ये क्या है, ये है डी का परसेंटेज एरर, ये कितना है, 2%। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 बचेगा, 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 16, 2 से 2 कट जाएगा, 1%। ये हो जाएगा 3 और 1 4,
22%. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो P का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 22%. तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, अभी कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए. वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, जरा देखिए. इस बार आपको गिवन रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर अपॉन सी. तो सबसे पहले इसका एरर फॉर्मूला बनाइए. तो ये हो जाएगा डेल पी ओवर पी इंटू 100 परसेंटेज. नेक्स्ट टर्म क्या है, ए. तो ये हो जाएगा डेल ए ओवर ए इंटू 100 परसेंटेज. अंडर रूट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर हाफ. तो यानी हाफ से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. प्लस B के लिए क्या लिखेंगे, डेल P ओवर B इंटू 100 परसेंटेज. इसकी पावर क्या है, 2. तो 2 से मल्टीप्लाई. प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, C. डेल C ओवर C इंटू 100 परसेंटेज. तो अभी तक आपको सुन में आ गया होगा, चाहे मल्टीप्लाई में हो कोई टर्म या डिवाइड में हो, सभी को हम क्या परसेंटेज एरर में लिखेंगे और सबके बीच में क्या प्लस लगाएंगे. ओके, तो हाफ ऐसा कैसे, ये चीज क्या दिखाई दे रही है, ए का परसेंटेज एरर, और वो कितना है, 2%. ये क्या दिखाई दे रहा है, बी का परसेंटेज एरर, वो कितना है. और ये क्या दिखाई दे रहा है, सी का परसेंटेज एरर, और वो कितना है, 3%. तो 2 से 2 कट जाएगा, 1%. 2 × 4 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा 8%. This is your required answer. Okay, we have one more numerical. If the error in mass and side of a cube are 3% and 4%, find the error in the density of cube. बहुत easy numerical है, देखिए. आपको क्या given है? Error of mass. आपको क्या given है? मास का परसेंटेज एरर 3%, साइड का परसेंटेज एरर 4%. तो मास का परसेंटेज एरर यानी डेल एम ओवर एम इनटू 100 परसेंटेज, ये चीज आपको कितनी दे दी, 3%. और साइड का परसेंटेज एरर यानी डेल एल ओवर एल इनटू 100 परसेंटेज इज इक्वल टू 4%. यानी मास का परसेंटेज एरर 3%, साइड का परसेंटेज एरर 4%. और आपसे किस चीज का एरर पूछा है, डेंसिटी का. तो जरा सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए. वी हैव डेंसिटी को हम ले लेते हैं डी. तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है. चाहो तो इसको एक बार पहले पूरा लिख लेते हैं टर्म में. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी को हमने डी ले लिया, मास को एम ले लिया, वॉल्यूम को क्या ले लिया, वी. अब हमें देखिए इसका एरर निकालना है. तो इसका एरर कब निकलेगा, जब एम और वी का एरर मालूम हो. लेकिन हमारे पास एम का एरर तो है लेकिन वी नहीं है, क्या है, एल. तो मैं इस वॉल्यूम को पहले लेंथ में चेंज कर लेता हूं. तो क्या मैं इस वॉल्यूम को एल क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम एरर फॉर्मूला बनाते थे. तो D इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब, इसका एरर फॉर्मूला बनाइए. अब तक आप एरर फॉर्मूला बनाना सीख गए होंगे. तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखा आपने, ये लिखा है डेंसिटी का परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, बताइए यहां पे कितने टर्म है, 2 टर्म, एम और एल. तो डेल एम ओवर एम इंटू 100 परसेंटेज प्लस 3 डेल एल ओवर एल इंटू 100 परसेंटेज. मेरे ख्याल से अब आप एरर फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं. चलिए ये है डेंसिटी का परसेंटेज एरर.
इज इक्वल टू मास का परसेंटेज एरर, वो कितना दिया हुआ है 3 प्लस 3 इनटू ये क्या है, ये है मास का परसेंटेज एरर प्लस 3 इनटू और लेंथ का परसेंटेज एरर कितना है 4, तो 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15%। तो डेंसिटी का जो एरर, तो हमें जो एरर गिवन थे वो परसेंटेज में गिवन थे, और हमने जो डेंसिटी का एरर निकाला वो भी किसमें निकाला, परसेंटेज। इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव द परसेंटेज एरर ऑफ मास एंड वेलोसिटी 3% एंड 2%। मास का परसेंटेज एरर 3%, वेलोसिटी का परसेंटेज एरर 2%। और हमसे परसेंटेज एरर पूछ लिया गया है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो कैसे करेंगे, अब तक कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल करना आ चुका होगा। तो सबसे पहले जिसका हमें परसेंटेज एरर निकालना होता है हमें उसका फॉर्मूला चाहिए। तो आपको परसेंटेज एरर किसका निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या आप मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, काइनेटिक एनर्जी को हम के लिख लेते हैं, के इज इक्वल टू हाफ, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम इसका एरर फॉर्मूला बनाएंगे। तो मोस्टली बच्चों को एरर फॉर्मूला बनाना आ गया होगा, लेकिन यहाँ एक चीज का भी हम ध्यान रखेंगे जो अभी तक के न्यूमेरिकल में नहीं हुआ था। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, के। तो डेल के ओवर के इंटू 100 परसेंटेज इज इक्वल टू, अब यहां क्या दिखाई दे रहा है, हाफ। तो बेटा एक नई चीज सीख लो, अगर आपके फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट टर्म है या कोई नंबर है, पावर को छोड़ के, जैसे वी की पावर क्या है 2, पावर को छोड़ के अगर आपके फॉर्मूले में कोई नंबर है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये क्या है 1/2, तो इस 1/2 को हम छोड़ देंगे। क्या दिखाई दे रहा है, एम। तो डेल एम ओवर एम इनटू 100 परसेंटेज, ये हमने क्या लिख लिया, मास का परसेंटेज एरर प्लस, अब क्या दिखाई दे रहा है, वी। तो पावर 2 है तो पहले 2 लिख लेंगे और फिर डेल वी ओवर वी इनटू 100 परसेंटेज। तो अभी तक समझ में आ गया होगा, पहले पावर लेते हैं और फिर उसका परसेंटेज एरर लिख देते हैं। चलिए ये है मास का परसेंटेज एरर। तो मास का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है 3%, 2 मल्टीप्लाई, ये क्या है वेलोसिटी का परसेंटेज एरर, और वेलोसिटी का परसेंटेज एरर कितना है 2%। तो 3 प्लस 4, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज एरर होगा वो 7% होगा। अब आप, अब तक आपको समझ आ गया, नाउ दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आर वेरी बेसिक। इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव, द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेटिंग पेंडुलम आर 3% एंड 2% एरर। लेंथ में कितना एरर है 3% का, टाइम पीरियड में कितना एरर है 2% का। तो आपसे परसेंटेज एरर पूछा गया है किसका, जी का। देखिए गिवन लेंथ यानी डेल एल ओवर एल इनटू 100 परसेंटेज, वो कितना दे दिया, लेंथ का एरर कितना दे दिया 3%, डेल टी ओवर टी 100 परसेंटेज, ये क्या है टाइम का परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, वो कितना है 2%। ओके, सिंस क्या पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता सकते हैं, तो वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी की। तो हम चलो जी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर होने से ये हो जाएगा, देख लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो यहां से जी कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। तो हमें जी का परसेंटेज एरर चाहिए था, तो सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला बना लिया। अब हम क्या करेंगे,
हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंट एरर फॉर्मूले में। तो एरर फॉर्मूला आपको आता है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, जी, तो ये हो जाएगा डेल जी ओवर जी इंटू 100%। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 4π2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया, कॉन्स्टेंट टर्म को हम छोड़ देते हैं, केवल हम किसका यूज करते हैं, पावर का। 4 क्या है, कॉन्स्टेंट, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, तो इसको कॉन्स्टेंट को हम छोड़ देंगे, हम केवल किसको यूज करेंगे, एल को और टी को। तो एल को हम क्या लिखेंगे, डेल एल ओवर एल परसेंटेज, इसको एरर फॉर्मूला में इसका परसेंटेज एरर लिख लिया, और क्या दिखाई दे रहा है, टी विद पावर 2, तो इसलिए पहले 2 की मल्टीप्लाई और फिर डेल टी ओवर टी इंटू 100%। तो ये हमने इस फॉर्मूले का क्या बना लिया, एरर फॉर्मूला बना लिया। चलिए, तो एल की परसेंटेज एरर कितनी है, 3, और टाइम की परसेंटेज एरर कितनी है, 2, तो 3 + 4 = 7%। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी तक आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको परसेंटेज एरर गिवन होगा और किसी दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज एरर पूछ ली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूले को परसेंटेज, वो सबसे पहले हम रिलेशन लेते हैं और उस रिलेशन को एरर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं और गिवन वैल्यूज रख के हम अपना आंसर सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव वन मोर वेरी गुड न्यूमेरिकल और ये कई बार कॉम्पिटिशन में आपके आ चुका है। इफ द परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है, उसकी रेडियस में कितना एरर है वो आपको बताया गया है, तो उसके वॉल्यूम में कितना एरर होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, गिवन आपको रेडियस का परसेंटेज एरर दिया है और वो कितना दिया है, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस 2%। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, V is equal to 4/3 πr³। This is the volume of sphere. तो सबसे पहले इसको error formula में convert कीजिए, तो क्या होगा, del V over V into 100%। यानी ये क्या है, volume का error, percentage error, 4/3 constant छोड़ देंगे, pi constant छोड़ देंगे, केवल क्या बचेगा, r cube। तो power कहाँ जाती है, आगे, और R को आपने क्या कर दिया, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इस फॉर्मूले को एरर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, 3 एज इट इज। बताइए ये क्या है, ये है रेडियस का परसेंटेज एरर जो कितना गिवन है, 2%, यानी 3%। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट नंबर। तो हमने इतने न्यूमेरिकल करे और मेरे ख्याल से अभी तक आप सीख चुके हैं कि एरर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है और कैसे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। बाकी आप अपनी बुक से न्यूमेरिकल ढूंढें और उनकी प्रैक्टिस करें।